डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्टर महाजन है और लोग मुझे द डेड मैन के नाम से जानते हैं। अब तक यहाँ इतिहास में मेरी मौत नहीं हुई है, इसलिए शायद अब मुझे डेड मैन कहा नहीं जा सकता। इतिहास में मरा तो मैं उठूंगा भविष्य में, लेकिन वो राज इतिहास के मैं जान चुका था और वो डोजन भी इतिहास में आकर अपने ही शरीर की एक उंगली काट कर भविष्य में ले जा चुका था। अब मैं जान चुका था कि उसके पास शरीर नहीं है, वो नरक से बिना शरीर के आया था और अब उस उंगली से वो पूरा का पूरा शरीर बना सकता था, दोबारा बन सकता था महान ड्रैकुला, और उसका पीछा मुझे करना था। लेकिन उस भेड़िया मानव से विदा लेकर मैं और संध्या उस आईने के पार थे। हम तैयारी के साथ आए थे कि हमें युद्ध करना होगा उन पिशाचों से और सामने मुकाबला होगा डोजन से, लेकिन वो पूरा का पूरा किला खाली था। मैं ढूंढता रहा उस किले में उसको, लेकिन वो मिला ही नहीं। पूरे किले में उसका कोई भी सेवक नहीं था, उसकी आर्मी का कोई भी पिशाच वहां मौजूद ही नहीं, और ये सबसे हैरानी की बात थी। उसके बाद मैंने समझदारी से उस आईने को तोड़ दिया ताकि कोई दोबारा इतिहास में ना जा पाए। अब उसे शायद जरूरत भी नहीं होगी, एक बार इंसानों ने उसे मारा था, लेकिन अब तरीका बदलना होगा क्योंकि वो जानता है हम उसे मारने के लिए उसके पास आएंगे और अब वो पूरी तैयारी के साथ होगा। मैं जान गया था उसे मारने के लिए भेड़िया मानव के दांत चाहिए और एक भेड़िया मानव का दांत हमारे हाथ में था, लेकिन अब हम ये नहीं जानते थे वो डोजन गया कहाँ है। अपने शरीर को बनाने के लिए उसे एक प्रयोगशाला चाहिए होगी, लेकिन वो प्रयोगशाला इस किले में होनी चाहिए थी, यहीं पर तो वो ड्रैकुला बना था। अब वो आखिर कहाँ गया होगा हमें ये जानना था, और इसके लिए हम किले के बाहर गए और यहाँ से पिशाचों का नामो निशान खत्म हो चुका था। पूरे इलाके से जैसे सारे के सारे पिशाच गायब हो गए। कहाँ गए वो? यकीनन डोजन उसे अपने पास लेकर गया होगा और वो पिशाच भी वहीं पर होंगे जहाँ पर वो डोजन प्रयोग कर रहा होगा अपने शरीर का। जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, वरना वो अपना शरीर बना लेगा और फिर मुकाबला असंभव हो जाएगा। वो यकीनी तौर पर शैतान के लिए भी कुछ ऐसा करेगा। वो तकनीकी तौर पर बहुत समझदार था और शरीर बनाने में माहिर भी था। शायद वो शैतान के लिए भी एक शरीर बना दे। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और हमने अपने चेहरे को ढका और बाहर की तरफ बढ़ चले। उस जंगल में ढूंढने की कोशिश करते रहे, आखिर एक पिशाच तो मिल जाए, उस पिशाच को पकड़ेंगे और उगलवाएंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था, एक पिशाच को आसानी से पकड़ सकता था क्योंकि मैं मर भी नहीं सकता और एक ऐसा पिशाच हूँ जो ज़्यादा शक्तिशाली है। मैंने अपनी शरीर की उस किताब से भी पूछा था आखिर डोजन कहाँ होगा, तो उसने कहा था इतिहास के हिसाब से उसे उसी किले में होना चाहिए, लेकिन वो इतिहास की जानकारी पा चुका है इसलिए वो जानता है उसे यहाँ ढूंढा जा सकता है। वो कोई ऐसी जगह गया होगा जो उसके लिए नई हो, हम भी सोच ना सकें, और वो शरीर बनाएगा, बाद में सबको पता चलेगा। मैंने उस किताब से ढेर सारे सवाल किए थे, उसे कैसे ढूंढा जा सकता है, लेकिन उसने कहा था वो जान ही नहीं सकता। मैं निराश हो गया था और उसके बाद आखिरी रास्ता था उसी कब्रिस्तान में जाना। हर बार मरकर मैं वहीं उठ खड़ा होता हूँ और उस कब्रिस्तान में मेरी शक्ति है, वहाँ पर मुझे मारा ही नहीं जा सकता। मुझे कोई जितनी बार भी मारेगा, हर बार ज़मीन से मैं उठ खड़ा हो जाऊँगा और ये मेरी शक्तिशाली जगह है, मेरा घर। संध्या भी मेरे साथ थी और हम वहाँ अंडरग्राउंड कमरों में बैठे हुए थे। ढेर सारी किताबें थी इतिहास की, इतिहास में क्या क्या बदला है, क्या क्या बदलाव आ चुके हैं, हमें किताबों में पढ़ना था। उस डोजन की कहानी में कुछ तो बदलाव आए होंगे। मैं वो डोजन की कहानी को पढ़ने लगा।
सबसे पहले तो आपको बताता हूं मैं जो जानता हूं डोजन की कहानी। इतिहास में एक ड्रैकुला हुआ करता था जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। उसने ऐसे नए नए जानवर बनाए जिसे अपना सेवक बनाया। इस तरह वो ड्रैकुला नए पिशाचों को बनाता गया और उसके द्वारा बनाए गए महान पिशाच नए पिशाचों को जन्म दे सकते थे, लेकिन उसके काटने से बने हुए पिशाच बस पिशाच ही रहते, नए पिशाच नहीं बना पाते। ये था वो इतिहास। भेड़ या मानव भी इतिहास में एक बार मर गया था और उसके बाद जो उसके सेवक थे, जो कमज़ोर भेड़िया मानव थे, वही आज तक बचे हुए थे। लेकिन जैसे ही मैंने वो किताब पढ़नी शुरू की, इतिहास में सच में बदलाव हो चुका था। वो डोजन इतिहास में मारा तो गया था, लेकिन उसने अपने शरीर के साथ और भी बदलाव किए थे। अपने शरीर को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए उसने कई प्रयोग किए थे और उसे खास जगह पर संभाल कर रखा था। वहाँ भेड़िया मानव जो इतिहास के युद्ध में मारा गया था, यहाँ इतिहास बदल चुका था। भेड़िया मानव ने कभी युद्ध किया ही नहीं और वो गुमनाम और अनजान बनकर रहा। कई भेड़िया मानव जो उसने बनाए थे वो बुरे थे, लेकिन वो महान भेड़िया मानव जिसके दांत नहीं थे कभी कभी नजर आता था, और कई सौ सालों से वो नजर आना भी बंद हो गया। मैं नहीं जानता इतिहास में बदलाव से क्या क्या हुआ होगा, लेकिन ये भविष्य का डोजन खुद को जिंदा कर लेगा और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। शायद उस डोजन ने नई प्रयोगशाला बनाई होगी। वो प्रयोगशाला कहाँ हो सकती है इसकी जानकारी ढूंढनी थी, और यहाँ ढेर सारी किताबों को खंगालते खंगालते अंत में मैं निराश हो गया था। लेकिन न्यूज़ में जो आ रहा था उससे हमें एक क्लू मिल ही गया। खबरें ये चल रही थी कि कई बड़े आतंकवादी जो इस समय गायब हो चुके थे और कुछ मारे जा चुके थे, उनके हम शक्ल एक देश में देखे जा रहे हैं। ऐसे आतंकवादी एयरपोर्ट से प्राइवेट जेट से एक खास देश में पहुंच रहे थे, और वो देश था रोमानिया। रोमानिया की एक और खबर बहुत ज़्यादा चल रही थी कि ट्रांसिल्वेनिया, जहाँ पर कहा जाता है पिशाच वैम्पायर्स का गढ़ है, वहाँ पर एक भारी बादल जैसे रुका हुआ है। वो काला बादल है जिस कारण वहाँ अंधेरा हो चुका है। पिछले 5 घंटों से वहाँ पर रोशनी हो ही नहीं रही, जैसे किसी ने बादल को रोक लिया हो। वो आतंकवादी, वो कई पिशाच वहाँ पर देखे गए हैं, और मैं जानता था अब मुझे कहाँ पर जाना है। मुकाबला करने के लिए अब ट्रांसिल्वेनिया जाना होगा, और ये ड्रैकुला का वही किला है जहाँ पर किसी ज़माने में ड्रैकुला ने आतंक मचाया था। वो वापस अपने उसी घर की तरफ मुड़ चला होगा। सबसे बड़ी प्रयोगशाला इसने वहीं पर बनाई होगी और वहीं जाकर उसे रोकना होगा। मैंने संध्या से कहा था इस युद्ध में शायद हम मारे जाएं। मैं तो जिंदा हो जाऊंगा, लेकिन तुम जिंदा नहीं हो पाओगे, इसलिए मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ ना जाओ। ये युद्ध मेरा है, मैं लड़ना चाहूंगा। तुम्हें आज़ादी दिलाने के लिए मैं कोशिश ज़रूर करूंगा, लेकिन संध्या मेरे साथ ही आना चाहती थी, और मैं एक ऐसा तरीका ढूंढना चाहता था जिससे मरने के बाद मैं यहाँ वापस ना आऊँ, क्योंकि यहाँ से दोबारा रोमानिया पहुँचने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। कोई ऐसा तरीका हो कि मैं वहीं पर दोबारा ज़िंदा हो जाऊँ। मैंने अपनी उस किताब से ये तरीका पूछा था, और उसने भी कहा था एक दिन के लिए ये तरीका अपनाया जा सकता है। अगर तुम जब यहाँ से निकले थे उस कब्र की मिट्टी एक बड़ी सी थैली में डाल लो, और उस मिट्टी को जहाँ पर भी दफनाओगे 24 घंटे के लिए मरने के बाद तुम वहीं से उठोगे। वो 24 घंटे होंगे तुम्हारे पास, तुम वहाँ बार बार मरकर भी जिंदा हो सकते हो। और मैंने अपनी उसी कब्र से मिट्टी एक थैली में डाल ली, उस थैली को अपने पास लिए। मैं कुछ हथियारों को लिए बढ़ चला था रोमानिया की तरफ। ये 12 घंटे की फ्लाइट थी और मैं रोमानिया में पैर रख चुका था। वहाँ पर अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि एक शहर पर इस तरह बादल खड़ा रहना काफ़ी भयानक हो सकता है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे किसी ने खास तौर पर किसी प्रयोग से ये बादल बनाया हो जो वहीं पर रुका हुआ है। वहाँ पर कड़कड़ाती हुई बिजली बार बार एक किले पर पड़ती जा रही है, और ये निशानी थी कि वो किस किले में है।
भारी संख्या में पिशाचों की तस्वीरें आ रही थी जो वहां आसपास के शहरों में लोगों पर हमला कर रहे थे। उन्होंने लोगों के हथियार ले लिए थे, वो टैंक तक अपने पास रखे हुए थे और उन्होंने अपनी सेना को उस किले के आसपास लगा दिया था। ये वो महान ड्रैकुला था जो दोबारा जिंदा होने वाला था और अपनी सेना के साथ इंसानों का अंत करने की तैयारी कर रहा था। सबसे पहले तो उस जंगल के पास वाले उस शहर में हम पहुंचे थे जहां से लोगों को खदेड़ दिया गया था। वहां पर कंटीली तारें चारों तरफ लगा दी गई थी, जैसे किसी खास सेना ने उस शहर पर कब्जा कर लिया हो। ये वैम्पायर्स की सेना थी, काले सूट पहने वो लोग जिन्हें धूप भी कुछ नहीं कर रही थी। यकीनन उसने प्रयोग से इन पिशाचों को ऐसा बना दिया होगा और इनको वो इतिहास में भी नहीं लेकर गया, इनका वो इस्तेमाल यहीं पर करने वाला है। वो हर जगह थे, वो एक बड़ी सी आर्म्ड व्हीकल में भी थे, गन्स लेकर वो आर्मी की वर्दी में भी थे। वो ऐसे लोग जो शायद आर्मी में होंगे, शायद पुलिस में होंगे, उन्हें भी पिशाच बना दिया गया था और पिशाचों को वो कब्जा कर सकते थे। एक महान पिशाच जो उनके बीच घूम रहा था, उसकी आभा मुझे महसूस हो रही थी। ये सब उसके गुलाम थे और ये शायद बटालियन का लीडर होगा, वैम्पायर्स की बटालियन का लीडर। वो एक बड़ी सी इमारत में था और उसे भी घेर रखा था उन पिशाचों ने। हम आगे बढ़ने की कोशिश भी कैसे करते, उनके पास हथियार थे और इन हथियारों का मुकाबला करना हमारे लिए मुश्किल था। वो पिशाच हैं जो ज़्यादा तेज़ हैं। तब हमने तरकीब लगाई कि हम एक गटर के अंदर घुसकर आगे वाले रास्ते का चुनाव करेंगे। सबसे पहले तो हमें उस बड़ी सी इमारत में पहुंचना होगा और उस इमारत में उस महान पिशाच को मारना होगा। उसे मारने के बाद ये शहर आज़ाद होगा और तब हम घुस पाएंगे उस जंगल के अंदर की तरफ। उस सड़क के नीचे वाले गटर से हम आगे बढ़ रहे थे और आगे हमें बड़े गटर के ढक्कन से बाहर निकलना था और वहां से उस इमारत में घुसना था। लेकिन हम जानते नहीं थे उस गटर की बड़ी बड़ी पाइप्स के अंदर भी पिशाच छिपे हुए थे। ये छोटे पिशाच थे जो अपने पूर्ण आकार तक में नहीं आए थे। इन्हें देखने में ऐसा लग रहा था ये इंसान हो ही ना, जैसे इनका जन्म ही पिशाच के रूप में हुआ हो। ये छोटे छोटे 3-3 फुट के पिशाच थे और इनके पंख भी थे। ये गटर के अंदर उड़ पा रहे थे। यहाँ पर वो कब से इन पिशाचों को बना रहा होगा ये मैं समझ गया था। इसके बारे में कभी उसने किसी और को पता लगने दिया ही नहीं। वो छोटे छोटे पिशाच हम पर हमला किए जा रहे थे। संध्या भी उन्हें संभालने में लगी हुई थी और मैं भी उनसे मुकाबला कर रहा था। मैं शक्तिशाली था लेकिन आवाज़ नहीं करनी थी। आवाज़ ऊपर तक पहुँचती तो बड़े पिशाच भी आ जाते। उन छोटे नटखट पिशाचों से मुकाबला करना बहुत मुश्किल भरा था। वो अपने दांत बार बार शरीर में गड़ा देते और खून चूसने की कोशिश करते। हम भी तो पिशाच थे, हमें भी खून चाहिए था और मुझे भी अब भूख लगने लगी थी खून की। संध्या तो उन पिशाचों को पकड़ पकड़ कर उनका ही खून चूस रही थी और जितना वो खून चूसती जाती उतना ज़्यादा शक्तिशाली वो बनती जाती। लगभग 15 मिनट तक उन छोटे छोटे पिशाचों से हमने मुकाबला किया था और अब हम उन पर भारी पड़ने लगे थे। जितना ज़्यादा हम उनका खून चूसते जाते उतने ज़्यादा शक्तिशाली होते जाते। मैं उन्हें नरक की आग में सड़ाना नहीं चाहता था लेकिन जख्मी करके हर एक को छोड़ दिया था। ये पिशाचों के बच्चे थे जिन पर शायद मुझे रहम आ गया था। इसके बाद हम उन पाइप्स के सहारे आगे बढ़ने लगे और वो अधमरे से पिशाच के बच्चे वहीं गटर की उस गंदगी में पड़े हुए थे। किसी को नहीं छोड़ा, वो हर एक ने हम पर हमला किया और हमने हर एक का खून चूसकर उन्हें अधमरा कर दिया। हमारा तगड़ा शरीर था और गटर के ढक्कन को खोलते ही उस इमारत की पिछली गली में हम थे। वहाँ कोई पिशाच नहीं था लेकिन हमें दरवाज़ा ढूंढना था उस इमारत के अंदर जाने का, तभी हम उस महान पिशाच को पकड़ पाते और वो हमें उस जंगल में अंदर ट्रांसिल्वेनिया के उस किले में ले जाता। पीछे वाली एक बड़ी सी खिड़की थी जिस पर लोहे की सलाखें लगी हुई थी। लोहे को हम काट सकते थे अपने नाखून से लेकिन उसमें समय भी लगता और आवाज़ भी निकलती। मेरे पास एक और भी बढ़िया तरीका था।
मैं जमीन को फाड़कर नरक की आग निकाल सकता था और ये लोहा उस नरक की आग में आसानी से पिघल जाता। मैंने नरक की वो आग अपने हाथ में ली, ये पिघली हुई धातु थी नरक की, और उसे उन सलाखों पर डाला। वो सलाखें कुछ ही सेकंड में गल गई थी और पिघल कर नीचे की तरफ गिर गई। तब मैं उस छेद से अंदर गया और संध्या को भी उस छेद के अंदर ले गया। हम दोनों अब उस इमारत में थे और उसके सबसे बड़े हॉल के अंदर वो महान पिशाच था, उसे हमें पकड़ना था। लेकिन जैसे ही हम पहले गलियारे में पहुंचे, वहां सामने तलवारें लिए काले सूट में वही पिशाच थे जो उस किले में हमें मिले थे। वो सात पिशाच थे और उन्होंने हमें देखते ही इस तरह तलवारें निकाल ली जैसे वो हमारे छोटे छोटे टुकड़े करना चाहते हों। संध्या घबरा गई थी और मैं भी डर सा गया था, लेकिन तभी मुझे याद आया, मैं भी एक पिशाच हूं और मेरे पास दुगनी शक्ति है। वो तलवारों से लड़ रहे थे और मैं नाखूनों से। वो साधारण पिशाच थे और मैं शैतान की शक्ति लिए वो महान पिशाच बनने की कगार पर था। मैं नाखूनों से उन्हें काटता और वो तलवार से मुझे जख्मी कर देते। मैं बड़ी तेजी से अपने जख्म भर देता, लेकिन उतने में उनके जख्म भरे नहीं होते। हमारे बीच वो युद्ध चला था, वो सात थे और हम दो। मैं संध्या को पीछे ही रखे हुए था क्योंकि मैं उसे मरने देना नहीं चाहता था। अब तक मैंने अपनी उस मिट्टी को जमीन में नहीं गाड़ा था, इसलिए अब भी मुझे डर था कहीं मैं मर ना जाऊं। तब उनसे लड़ते लड़ते उनका पलड़ा भारी होने लगा। वो साथ थे, मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करता तो बाकी छुड़ा लेते। तलवारें तेज धार थी, बार बार मैं नीचे की तरफ बैठकर उन तलवारों से बचता। गलियारा छोटा था, इसी कारण मैं बचा हुआ था, वरना वो चारों तरफ से घेर कर हम पर हमला करते तो हम हार जाते। उस गलियारे में बार बार मैं कभी किसी कमरे में घुस जाता, कभी किसी कमरे में। मेरे पीछे संध्या और वो तलवारें लिए उन कमरों के अंदर। कमरों के अंदर पड़े सामान को मैं उन पर फेंकता और उनका ध्यान बटाता और उन्हें जख्मी भी कर देता। मैं शक्तिशाली हो गया था इतना खून पीकर, और वो साथ थे इसलिए भारी पड़ रहे थे। अगर उनकी संख्या कम होती शायद मैं उनसे जीत भी जाता। एक बड़े से कमरे में लड़ते लड़ते हम पहुंच गए थे, और ये कमरा इतना खुला था और इसमें बिल्कुल सामान नहीं था। चारों तरफ से उन्होंने हमें घेर लिया था। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता था और ना ही संध्या। हमारे पास तो कोई हथियार तक नहीं था। वो तलवारों से हमें काटने को तैयार थे, और तभी मैंने जमीन फाड़ी और जमीन से जैसे वो लावा सा निकलने लगा था। नरक की ये आग देखकर वो घबरा जरूर गए थे, लेकिन मैं ज्यादा बड़ा खड्डा नहीं बना सकता था। तो मैंने सोचा, वो नरक की धातु मुझे पिघला नहीं सकती, मैं उसमें हाथ तक डाल सकता हूँ और इसका इस्तेमाल भी तो कर सकता हूँ। पिघली हुई वो धातु मैंने अपनी दोनों बाजुएं नरक के अंदर डाल ली थी, और जब मैंने अपनी बाजुएं बाहर निकाली, वो पिघला हुआ लावे की तरह बना हुआ धातु का टुकड़ा जैसे मेरी बाजुओं पर सूख रहा था। वो बिल्कुल लाल रंग की धातु थी, और उसके बाद जब वो सूखी उसका रंग काला चमकीला सा हो गया था। ये वो धातु थी जिससे पिशाच ड्रैकुला तक छुटकारा नहीं पा सकते। इसे कोई साधारण धातु या साधारण तलवार काट नहीं सकती, और आगे से पकड़कर मैंने उसकी तेज धार सी बनवा दी। मैंने अपने एक हाथ में तेज धार चाकू सा बना लिया था और पूरी बाजू उस धातु से ढकी थी। बाद में दूसरी बाजू पर भी मैंने इसी तरह से धातु चढ़ा ली, और अब मैं लड़ने को तैयार था। उनकी तेज धार तलवारें भी कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी शक्ति बढ़ती जा रही थी। वो धातु कट नहीं सकती थी, और उनकी तलवारें उस धातु पर टकराने के बाद टूट टूट कर गिरने लगी, और उनकी आंखों में मैंने भय देखा था। वो भय इस नरक की धातु का था जो तेज धार थी। दो का मैंने सर धड़ से अलग कर दिया। बहुत तेजी से ये हुआ और बाकी पांच देख तक नहीं पाए। संध्या भी लड़ रही थी, संध्या उनसे लड़ रही थी जिनके पास तलवारें नहीं थी। हमारे युद्ध में अब परिणाम निकलने लगा था। जिनके पास तलवारें नहीं थी उन्हें मैं काट काट कर इस तरह से छोटे छोटे हिस्सों में फेंक चुका था कि अब दो बचे थे और उनके पास तलवारें तक नहीं। वो भागना चाहते थे, और यहाँ काम आई मेरी वो शक्ति। मैं जमीन फाड़कर
जमीन के अंदर से उस पिघले हुए धातु को, पिघले हुए लावे को उठा उठा कर उन पर फेंक रहा था। और वो लावा कितना गर्म था उनके शरीर पर पड़ने के बाद मुझे पता चला। जैसे ही वो लावे को छूते उनके शरीर का वो हिस्सा पिघल जाता। मैंने एक की टांग पर वो लावा फेंका था और उसकी टांग पिघल गई थी, खून तक ना निकला था। जमीन पर जैसे धातु की प्लेट सी बन गई जब पिघल कर वो धातु नीचे गिरी, वहां जमीन पर भी छेद हो गया था। वो जमीन के अंदर चला गया था, इतना गर्म लावा था। दूसरे को पकड़कर मैंने जमीन में गाड़ दिया और उसके बाद अब यहां शांति सी फिर गई थी। अब मैं अपनी शक्ति को भी जान गया था। और सीधा जब मैं उस बड़े हॉल में पहुंचा, सबसे पहले तो 6 पिशाच थे जो हमारा मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन मेरी शक्ति बढ़ चुकी थी। मैं हाथ में उस नर्क की धातु को लिए उन 6 पिशाचों के इस तरह से टुकड़े कर चुका था कि जैसे पलक भी ना झपकी हो। सामने अब वो महान पिशाच था जो मुझसे लड़ने को तैयार था और मुस्कुरा रहा था। हंसते हंसते मेरी तरफ आते हुए कहने लगा, तुम वही हो ना जो मरते नहीं, लेकिन अब मरोगे, अब तुम मरोगे और उसके बाद तुम अपने उस कब्रिस्तान में जिंदा हो जाओगे, लेकिन बहुत दूर। तब तक ड्रैकुला जिंदा हो चुके होंगे असली शरीर में, और ये लड़की, इसे मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ये मरेगी नहीं, इसके शरीर में नुकीली सुइयां घुसाई जाएंगी और सारा खून चूसा जाएगा। बिना खून के एक पिशाच सूखना शुरू हो जाता है, हड्डियों का ढांचा बनना शुरू हो जाता है, दर्द महसूस करता है। ये लड़की वैसे मरेगी और तू कटकर मरेगा। ये कहते ही उसने जैसे मुझ पर छलांग लगाई थी। ये महान शक्तिशाली पिशाच था और भी पिशाच बना सकता था, तभी उसने मुझ पर छलांग लगाई और मैंने उसे पकड़कर एक तरफ फेंक दिया। संध्या एक दीवार के पास खड़ी थी और सिर्फ देख ही सकती थी, क्योंकि ये शक्तिशाली पिशाचों का मुकाबला था। मैं उस धातु को लिए अभी उससे थोड़ा कमज़ोर ज़रूर महसूस कर रहा था, लेकिन ये तेज़ धातु का ज़ख्म ठीक नहीं होता उसके शरीर में, इसीलिए वो भी बचने लगा था और मैं उसका पीछा कर रहा था। वो अपने पैरों से छत को पकड़ लेता और चमगादड़ की तरह उल्टा लटक जाता, और मैं भी छलांग लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता रहता। और उसकी रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन मैं चालाकी से उसे फंसा सकता था। जैसे ही उसे एक कोने में मैं ले गया, वो गलियारा सा था और वहां पर हम एक दूसरे पर मुक्कों से बरसात कर रहे थे। मुझे उसने कई जख्म दिए और मेरे उस धातु के जख्म मैंने जब उसे दिए वो ठीक नहीं हो रहे थे। वो बार बार उन जख्मों को ठीक करने की कोशिश करता, लेकिन वो शरीर का हिस्सा जलता रहता, जैसे ये धातु के कण उन जख्मों को जुड़ने नहीं देते। तब एक छोटे से गलियारे में उसने मुझे दबोच लिया था और कहा था, अब तुम क्या करोगे, ये सर धड़ से अलग हो जाएगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा था, यही तो मैं चाहता था, तुम मुझे पकड़ो, और जब तुम मुझे पकड़ोगे मेरा हाथ तुम्हारे सर पर होगा। मैंने जैसे ही उसके सर पर हाथ रखा, वो चीखता चिल्लाता हुआ दूर भागना चाहता था। मेरे हाथ की ये पकड़ कोई भी इससे छूट नहीं सकता, यही तो मेरा वरदान है जो उसे शैतान से मिला है। मैंने सर से पकड़कर उसे जमीन के अंदर फेंक दिया। वो जलती हुई आग में इस तरह से पिघल रहा था। नरक में मौत नहीं होती, सजा मिलती है, और उसकी चीखें वहां उस खड्डे से निकल रही थी, और हाथ से मैंने उस लावे के खड्डे को बंद कर दिया। अब उसे तो हमने मार दिया था, लेकिन ये जगह आज़ाद नहीं हुई थी, और जो मैंने सोचा था कि इसी के सहारे हम उस किले तक पहुंचेंगे, वो तरकीब भी अब काम आने वाली नहीं थी। अब सीधे रास्ते से ही उस किले की तरफ जाना होगा। इस बड़ी सी इमारत के पीछे से एक सीधा रास्ता जाता था जो जंगल के अंदर की तरफ जा रहा था। हमने उस दरवाजे को खोल उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा पिशाच जो उस शहर में ही थे वो पीछे छूट गए थे, और हम घने जंगल के अंदर। इस घने जंगल में आसपास इस तरह धुंध फैली हुई थी और ऊपर से हो रही बारिश, अंधेरा ही अंधेरा हो चुका था, और अंधेरे में देखना बहुत मुश्किल भरा था।
कोई भी देख नहीं पा रहा था और इस अंधेरे में जैसे हम पर कोई हमला करने लगा। पिशाच अंधेरे में देख सकते हैं लेकिन इतने घुप अंधेरे में कोई भी नहीं देख सकता, जैसे कोई पेड़ों से आ रहा था। ये पिशाच ही हो सकते हैं और हम पर हमला किए जा रहे थे, बार बार हमारे शरीर को खरोंचते, लेकिन उनके वार कमजोर से थे, इतने शक्तिशाली वार नहीं थे। और इस अंधेरे में ये हो रहे वार समझ से बाहर थे और तभी मैंने जमीन से वो चमकता हुआ लावा हाथ में पकड़ लिया। लावा इतना ज़्यादा गर्म था कि उसकी बूंदें ज़मीन पर पड़ रही थी और छेद हो रहे थे, लेकिन उस लावे से निकलने वाली रोशनी से आसपास देखा जा सकता था। मेरी आंखें भी पिशाच की आंखें थी जो अंधेरे में देख सकती थी, भले ही खूब अंधेरे में ना सही लेकिन इतने अंधेरे में मैं देख पा रहा था। तभी नज़र आए कुछ लोग जो पेड़ों पर चढ़े हुए थे, वो छलांगे लगाकर हमें जख्मी करने की कोशिश कर रहे थे। ये अर्ध पिशाच थे उस संध्या की तरह। संध्या के शरीर पर काफ़ी जख्म हो चुके थे और वो उठ नहीं पा रही थी, उसे खून की ज़रूरत थी और मैं जानता था वो खून कहाँ से लाना है। ये पिशाचों को पकड़ना अब आसान हो रहा था और मेरे ये नुकीले पंजे, इस तरह से मैंने उन्हें बिखेर कर रख दिया। उनकी संख्या 20 थी और 20 के 20 ज़मीन दोज कर दिए थे। कुछ का खून चूसा मैंने, कुछ का खून चूसा संध्या ने और हम और ज़्यादा ताकतवर हो गए थे। पिशाचों का खून शक्तिशाली होता है इंसानों से भी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने इंसानों का खून ही चूसा हुआ था, तो हमें दुगना फायदा हुआ। शरीर ताकतवर हो गए थे, एक साधारण पिशाच जितनी तो संध्या ताकतवर थी और मैं 10 से ज़्यादा पिशाचों जितना ताकतवर था उनका मुकाबला कर सकता था। और हम उस जंगल के बिल्कुल घने तरफ बढ़ चले, बार बार ज़मीन से लावा निकालता जिससे रोशनी होती, लेकिन एक जगह वो भीड़ थी पिशाचों की। उन पिशाचों की भीड़ ने हमें घेर लिया और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। वो किला बहुत नज़दीक था और मैं देख पा रहा था बादलों से निकलने वाली वो कड़कड़ाती बिजली। उस किले के ऊपर एक खंभा लगा हुआ था, उस खंभे पर बार बार बिजली पड़े जा रही थी। यकीनन वो इस बिजली का इस्तेमाल कर रहा होगा और अपने शरीर को बना रहा होगा, रोकना होगा उसे जल्दी से। वो पिशाचों की भीड़ हजारों में थी और हजारों पिशाचों को रोकना इतना आसान नहीं होता। वो घेर कर हम पर हमला कर रहे थे और मेरी बड़ी हुई शक्ति, वो जितने भी चारों तरफ से आते मैं और संध्या उन्हें रोकते और मैं उन्हें काट कर रख देता। पिशाचों से ज़्यादा ताकतवर था मैं और अब अपनी शक्ति भी पहचान चुका था। ये धातु जो नर्क की थी मैंने उसकी एक तलवार बनाकर संध्या को भी दे दी थी और वो भी पिशाचों को काटे जा रही थी। मैं भी अपने शरीर के इन धातु के हिस्सों से काटता हुआ उस भीड़ को आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती गई और अचानक वो पीछे हटने लगे। मुझे लगा वो डरने लगे हैं हमारी शक्ति से, लेकिन ऐसा नहीं था। 10 महान पिशाच एक साथ एक जगह खड़े थे और उनके लिए जगह बनाई गई थी। वो 10 एक साथ हम पर हमला करने वाले थे। संध्या घबरा सी गई थी। इन 10 महान पिशाचों से मुकाबला मुझे ही करना था और मैं आगे की तरफ बढ़ा। वो महान पिशाच, मैं 2 से 3 पिशाचों को एक साथ संभाल पा रहा था लेकिन 10 को नहीं। चारों तरफ से घेरते हुए उनकी रफ्तार बहुत तेज थी और एक ने संध्या को दबोच रखा था। वो संध्या को तब मारता जब मेरी भी मौत हो चुकी होती। मेरे पास वो मिट्टी की थैली थी और मुझे लगा था मैं उसे अभी ज़मीन में गाड़ दूं, लेकिन तब मैं ये भी सोचने लगा इसे ज़मीन में तो गाड़ दूंगा लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्या मैं सच में उठ खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन कैसे, क्या ये पिशाच का शरीर मेरे पास होगा या कमज़ोर पहले वाला वो श्राप वाला शरीर, क्या करूँगा मैं। मैं बस सोचे जा रहा था और उनके तेज धार हमले मुझ पर, 10 को मैं रोक नहीं सकता था। भले ही उस लावे से मैं उन पर हमला करता और उनका शरीर जलता, लेकिन वो मुझ पर हावी होने लगे थे। उन्होंने मेरे शरीर के अंदर अपने नाखून गड़ा लिए थे और मुझे एक पेड़ से पकड़कर इस तरह से टांग दिया जैसे सूली पर चढ़ा रहे हों मुझे। वो 5 पिशाच थे महान, जिन्होंने मुझे इस तरह से जकड़ लिया था। एक ने संध्या को पकड़ रखा था और 4 सामने इशारा करके कह रहे थे, वो देखो ड्रैकुला जिंदा हो रहा है
और तुम रोक नहीं सकते। हमने तो बहुत तारीफें सुनी है तुम्हारी, द डेड मैन जो मर के जिंदा हो जाता है। अब मरो, अब हो जाओ जिंदा, मौत करीब है तुम्हारे। शायद तुम जितनी बार भी जिंदा हो जाओगे, तुम्हें वो दुनिया नहीं मिलेगी। इंसान खत्म हो जाएंगे, सिर्फ पिशाच मिलेंगे तुम्हें। मुझे मेरी मौत दिखने लगी थी और मेरे हाथ तक खुले नहीं थे। वहां पिशाचों की वो भीड़ जैसे मेरे मरने का इंतजार कर रही थी। शायद अब कोई रास्ता नहीं रहा था, लेकिन अचानक वो भीड़ को चीरते हुए कोई हमारे सामने आ रहे थे। वो भेड़ियों का झुंड था, वो हजारों में भेड़िए, बड़े बड़े आकार के। वो उन पिशाचों को इस तरह से चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे कि जैसे आतंक का माहौल हो। वहां पिशाचों ने रास्ता तक बना दिया था और वो भीड़ पिशाचों को मारने पर आतुर थे। तभी संध्या को मारने के लिए उस महान पिशाच ने अपने उंगलियों को दबोचना शुरू किया और पीछे से एक विशाल आकार का भेड़िया मानव अपने नाखूनों से उस पिशाच के सर को धड़ से अलग कर चुका था। वो उड़ता हुआ सर मेरे सामने से निकला था और तभी उसने अचानक दो और महान पिशाचों पर हमला किया जिसने मुझे बाजुओं से पकड़ रखा था। उसके तेज नाखून इतनी तेजी से निकले, सिर्फ मेरा सर बचा और दो वो महान पिशाच मेरे साथ खड़े थे, उनके सर धड़ पर नहीं थे। मैं अब आजाद था और सामने सात महान पिशाच। मैं अपने पीछे महसूस कर रहा था उस महान भेड़िया मानव को। वो ड्रैकुला का साथी अब भी जिंदा था। इतिहास बदल गया था और उसने खुद को आज के लिए जिंदा बजा कर रखा था। अपने भेड़िया मानव साथी बना रखे थे। उसने कई भेड़िया मानव की आर्मी बनाई और पूरी दुनिया में फैलाई। वो भेड़िया मानव उसके गुलाम नहीं थे, वो उसके साथ काम कर रहे थे। कई बुरे भेड़िया मानव जो दुनिया में फैले, उन्होंने आतंक मचाया, लेकिन जो अच्छे थे उनकी सेना लेकर ये भेड़िया मानव यहाँ पर पहुँच आया था। मैं 3 से 4 महान पिशाचों को संभाल सकता था और इतने ही वो भेड़िया मानव भी आसानी से संभाल सकता था। एक एक को मारा था हमने उन साधारण पिशाचों के सामने। हर एक के मरे हुए उस शरीर को देख बाकी पिशाचों में अफरा तफरी मच गई थी और अफरा तफरी में जो वो भेड़िया मानव साथी उन्हें मार रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था वो भागें तो भागें किस तरफ से। उस ड्रैकुला ने ये सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ भेड़िया मानव की आर्मी भी होगी जो युद्ध इस तरफ से लड़ेगी। इस महान युद्ध में उन्होंने भी भाग लिया था और अब हमें उस किले में जाने से कोई नहीं रोक सकता था। कई महान पिशाच रास्ते में आते गए और उनकी धज्जियां उड़ाते हुए हम आगे बढ़ते गए। वो 12 से 15 फुट का महान भेड़िया मानव और उसकी सवारी कर रहे थे मैं और संध्या। वो भेड़िया मानव घोड़े से भी ज़्यादा तेज़ी से छलांगे लगाता हुआ रास्ते में नाखूनों से उन पिशाचों के सर को धड़ से अलग करता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार कितनी तेज थी, लेकिन किले के पास पहुँचते ही उस किले के अंदर जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। कोई दरवाज़ा नहीं था उस किले के अंदर जाने का। उस किले पर बार बार बहुत तेज़ी से वो बिजली गिर रही थी जिसमें मरते हुए पिशाच भी नज़र आ रहे थे। उस किले के ऊपर छोटे छोटे पिशाचों के बच्चे उड़ रहे थे, जबकि बड़े पिशाच भी जो महान पिशाच थे वो उड़ रहे थे। वो सेना किले के चारों तरफ थी, लेकिन उस किले के ऊपर। हमें उस किले के अंदर जाना था और उस सेना का मुकाबला भी करना था। हमारे पीछे भेड़िया मानव की पूरी सेना अंदर जाने को तैयार, लेकिन रास्ता तो हमें ही बताना था। यहाँ कोई रास्ता नहीं था। ऊंची ऊंची दीवारें और बिल्कुल नीचे घूमती हुई नदी। ये नदी जहाँ से शुरू होती थी वहीं पर ख़त्म होती थी। ये पानी कहीं और से नहीं आ रहा था, बल्कि इस किले के इर्द गिर्द ही जैसे घूमे जा रहा था किसी शक्ति के कारण। हम उस नदी में छलांग नहीं लगा सकते थे, उसका बहाव इतना ज़्यादा था कि हम वहीं पर फंस कर रह जाते। हमें कोई और तरीका चुनना था जिससे हम किले के अंदर जा पाते। हर तरफ से बंद है ये किला, हमें ये सुनने को मिला था, और वो पिशाच
समय बर्बाद किए जा रहे थे। हमारे पास समय कम था क्योंकि ये कड़कड़ाती बिजली बार बार किले पर ज़्यादा तेज़ी से गिरती जा रही थी और अंदर से निकलने वाली लाल रंग की रोशनी बढ़ती जा रही थी। वो कुछ कर रहा था जो बहुत जल्दी हो जाता, समय कम था हमारे पास। तभी मुझे बिल्कुल सामने नज़र आया वो बड़ा सा पत्थर। वो पत्थर उस किले के अंदर समाया हुआ था और उसे ही गिराकर वो यहाँ रास्ता बनाते थे। इसके लिए किसी न किसी को यहाँ नदी को पार करके आगे पहुँचना होगा, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ वो भेड़िया मानव, लेकिन वो अकेला होगा और हमें जल्द से जल्द आगे उस रास्ते से किले के अंदर पहुँचना होगा। बड़ी तेज़ी से भागता हुआ आया वो भेड़िया मानव और छलांग लगाकर उस किले की उस छत पर पहुँच गया था। वहाँ उस पर हमला करने के लिए पिशाच पीछे हट चुके थे और महान पिशाचों की वो भीड़ जैसे हवा में उड़ती हुई उस पर हमला कर रही थी। वो तेज़ी से उन रस्सियों को काटना चाहता था जिससे वो पत्थर वहाँ नदी में गिरता और हमारे लिए रास्ता बनता, लेकिन उसे ज़ोर से पकड़े जा रहे थे। वो बस उसे दबोचना चाहते थे। हमारा सबसे शक्तिशाली भेड़िया मानव उनके कब्जे में आने लगा था और हम बस उसे पकड़े हुए देखते जा रहे थे। उसे दबोच कर अंदर घसीट कर ले जाया जा रहा था और उसने अपने नाखूनों से उन रस्सियों को ज़रूर काट दिया। वो उनकी गिरफ्त में था, लेकिन पत्थर उस नदी में गिर चुका था और उसके ऊपर बना हुआ वो रास्ता किले के अंदर जाने का था। पूरी की पूरी सेना लेकर हम सीधा किले के अंदर, और हमें रोकने के लिए वो साधारण पिशाच कुछ नहीं कर रहे थे। बार बार मैं झपट्टा मार कर उनका खून चूस लेता और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता। डोजन से लड़ने के लिए शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पिशाचों का खून चूस रहा था। संध्या भी मेरे साथ उन अधमरे पिशाचों के खून को चूस चूस कर शक्तिशाली होती जा रही थी। हम उन महान पिशाचों जितने शक्तिशाली होना चाहते थे। जल्द से जल्द हमने कोशिश की और वहाँ पिशाचों की भीड़ को ख़त्म कर दिया, लेकिन उस महान भेड़िया मानव को वो किले के अंदर घसीटते हुए ले जा चुके थे। यहाँ महान पिशाच हमें रोकना चाहते थे और बार बार मैं आग जो उस नरक से निकली हुई होती फेंक फेंक कर उन्हें जला देता। वो आग मैंने अपने शरीर पर डाल ली थी। पिघला हुआ लावा लिए मैं अपने शरीर पर डाले हुए इस तरह से चल रहा था जैसे नरक का शैतान नरक से निकल कर आया हो और उसके शरीर से लावा निकल रहा हो। कोई भी मुझे छू नहीं सकता था। अगर वो मुझे छूते तो वो जलकर राख बन जाते, इसीलिए रास्ता देना था उन्हें। वो हटते गए एक तरफ और मैं उन पिशाचों को चीरता हुआ किले के अंदर जाता गया। वो भेड़िया मानव युद्ध लड़ रहे थे उन पिशाचों से, लेकिन वो महान पिशाच उन भेड़िया मानव पर भारी पड़ रहे थे। तभी मैं भी छलांगे लगा लगा कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। मैं बड़ी तेज़ी से घूमने लगा। वो लावा जो नरक से निकला था हर तरफ बिछाना शुरू कर दिया मैंने, और उस लावा पर पैर रखते ही हर कोई जलता ही जाता। भेड़िया मानव पीछे हट चुके थे और उन महान पिशाचों को उड़ते हुए ही मैंने जलाकर राख कर दिया था। ये युद्ध यहाँ किले में लड़ा जा रहा था और वो मुझे रोकना चाहते थे। भले ही वो मर जाते, लेकिन वो भीड़ हर कोशिश कर रही थी ज़्यादा समय जुटाने के लिए। कड़कड़ाती हुई बिजली वहाँ पड़ रही थी जिसमें कई भेड़िया मानव कई पिशाच झुलस जाते। वो वहीं झुलस कर पड़े रहते और बिजली बढ़ती जा रही थी। अब हमने अंदर से निकलती हुई बिजली देखी। पहले तो किले पर बिजली पड़ रही थी, अब किले से निकलने वाली लाल रंग की बिजली बादलों पर पड़ना शुरू हो गई थी। ये देखते ही मेरे अंदर जैसे ऊर्जा भर गई। ये आखिरी मौका है, जो भी होने वाला है उसे मुझे रोकना होगा। मैं उस भीड़ को चीरता हुआ दरवाज़ा फाड़ सीधा उस प्रयोगशाला में था जहाँ पर एक तरफ उस भेड़िया मानव को टांगा गया था और दूसरी तरफ एक बड़े से पानी के सिलेंडर के अंदर वो डोजन लेटा हुआ था। वो सोया हुआ था और सुरक्षा कर रहे थे यहाँ पर 50 से ज़्यादा महान पिशाच। वो मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन अब मैं रोकने वाला नहीं था। उस डोजन के शरीर से जैसे लाल रंग की बिजली निकलना शुरू हो गए थे। उसके शरीर के अंदर बन रही कोशिकाएं साफ दिख रही थी। उसका ढांचा बदल रहा था, आकार बड़ा हो रहा था।
वो वहाँ आँखें खोल रहा था, झपका रहा था, और मैं जल्द से जल्द उस सिलेंडर को फाड़ना चाहता था, उसे बाहर निकालना चाहता था। लेकिन वहाँ उन महान पिशाचों ने इतना समय मुझे रोके रखा और उन्हें मारने में, उन्हें जलाने में मुझे समय लग गया। 50 लाशें वहाँ पड़ी थी और 10 महान पिशाच उस डोजन के पीछे। वो डोजन के सिलेंडर की वो बड़ी बड़ी पाइप एक तरफ गिर चुकी थी और वो उस सिलेंडर से बाहर आ गया। आसपास हरे रंग के वो कई सारे सिलेंडर पड़े थे और इसके बाद बाहर आते ही वो हंसने लगा। मैं सोच रहा था यही समय है, वो शरीर पा चुका है और इस भेड़िया मानव के दांत से मैं उसे मार सकता हूँ। मैंने छलांग लगाई और वो जब हंस रहा था उसकी नज़रें ऊपर थी उस बिजली की तरफ। मैंने वो दांत उसकी छाती में गड़ा दिया और उसके बाद वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, घुटनों पर आ गया और मैं कहने लगा, चाहे जो हो जाए जीत अच्छाई की ही होती है, तुम्हारा मरना तय था और तुम्हारी हंसी नहीं निकलनी चाहिए थी, तुम रोक सकते थे लेकिन तुम्हारा तो हंसने में ध्यान था। तब वो चीखता चिल्लाता अचानक हंसने लगा था। तुम्हें लगा ये भेड़िया मानव का दांत मुझे मार सकता है? ये पुरानी बातें हो गई हैं। ड्रैकुला को पहले भी इस भेड़िया मानव के दांत से मारा गया था, दोबारा नहीं। मैंने सिर्फ शरीर में बदलाव ही नहीं किए हैं, इस पूरे के पूरे शरीर को बदल कर रख दिया है। भेड़िया मानव का दांत अब कुछ नहीं कर सकता। मेरे कदम पीछे हटने लगे थे और उसका बड़ा आकार, वो 12 फुट का विशाल ड्रैकुला, बड़े बड़े पंख और शरीर से निकलने वाली बिजली, वो शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। और उसने कहा, खोल दो उसे, अब उस भेड़िया मानव को भी खोल दो, उसके मन की इच्छाएं भी अब पूरी होनी चाहिए। भेड़िया मानव को आज़ाद कर दिया गया था, हर सेना का पिशाच पीछे हट चुका था, वो अकेला था जो आगे खड़ा था। लेकिन क्यों? उसकी रफ्तार, वो उछल सकता था, वो शरीर से बिजली छोड़ सकता था, उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा पाए थे हम। उसने उस भेड़िया मानव को 1 सेकंड में ही ज़मीन दोज करने की कोशिश की, उसका सर ज़मीन में गाड़ दिया। मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था, मैं ज़मीन से उस जलती हुई आग को उस पर फेंकता, लेकिन उसकी रफ्तार, मैं आगे वो आग को फेंकता और वो बिल्कुल मेरे पीठ के पीछे खड़ा होता और कान में कहता, और तेज़, बस इतनी ही तेज़ी है तुम में। ये रफ्तार इतनी तेज़ थी कि हम उसे रोक नहीं पा रहे थे, हम तीनों मिलकर उसे रोकना चाहते थे और कोई वहाँ नहीं आ रहा था। वो पिशाचों की सेना हथियार डाल चुकी थी, कोई लड़ना नहीं चाहता था, वो भेड़िया मानव की पूरी सेना ही टूट पड़ी थी उस डोजन पर। लेकिन वो ड्रैकुला इतना तेज, वो अपने नाखूनों से काट रहा था सबको और हमारी पलक तक न झपकती, लाशें गिरती, टूटे फूटे हिस्से गिरते, लेकिन वो कहाँ है दिखता नहीं किसी को, भीड़ को खत्म कर रहा था। और भेड़िया मानव की सेना बाहर की तरफ भागना शुरू हो गई और हंस रहे थे वो पिशाच। वो डोजन जीत चुका था, वो एक ऐसा शरीर बना चुका था जिसे रोका नहीं जा सकता था, वो रफ्तार को जैसे रोका ना जा सके। हम क्या कर सकते थे? तब वो मरता मरता भेड़िया मानव कह रहा था, जिसके शरीर पर बहुत जख्म थे, उसे आधा शरीर में गाड़ दिया गया था और उसकी बाजू का कचूमर निकला हुआ था। वो अपने शरीर के घाव भरता, उससे पहले ही वो ड्रैकुला उसे मारने वाला था। मरते मरते उसने बस उस ड्रैकुला से पूछा था, कैसे, मैं जानना चाहता हूँ कैसे, ये सब कैसे कर लिया, मैं भी तो तुम्हारे साथ था, मैं कभी समझ ही नहीं पाया। तब उसने कहा था, तुम्हें पता है, तुम्हें सब कुछ बताया ही नहीं गया, 3 लाशें थी वहाँ पर, 3 लाशें, एक ड्रैकुला की, एक पिशाच की, एक भेड़िया मानव की और एक महान राक्षस की, वो प्राचीन काल का राक्षस। मैं नहीं जानता उसे क्या नाम दूं, लेकिन उस पर हमने रिसर्च की ही नहीं थी, मैं देखते ही पहचान गया था तीनों में सबसे शक्तिशाली वो है। लेकिन मैंने उस लाश को छिपाए रखा, हमने 2 पर ही रिसर्च की थी और मैं दोनों के हिस्से को खुद में समा पाया था।
मैं जानता था तीसरे शक्तिशाली हिस्से को इंसानी शरीर में डाला नहीं जा सकता। कोई भी इंसान अपने अंदर उन कणों को संजो नहीं पाएगा। उसके लिए एक महान शक्ति चाहिए, ऐसा शरीर जो बहुत ज़्यादा शक्ति को संभाल सके। और अब जाकर मैं अपने इस पिशाच और भेड़िया मानव के मिलन वाले शरीर को बना पाया और शैतान के नरक वाले उस शक्ति के साथ इस शक्ति को समन्वय बना पाया। और आज मेरे पास वो महान शरीर है जिसे वो शैतान चाहता था। ये शरीर, ये महान शरीर, और ये अब धरती लोक में है। यहाँ इस ब्रह्मांड का विनाश इस शरीर से होगा। धीरे धीरे मैं शक्तिशाली होता चला जाऊंगा। इस शरीर के साथ इसका खात्मा यहाँ किया ही नहीं जा सकता। इस लोक में इसका खात्मा किया ही नहीं जा सकता, ना किसी हथियार से, ना किसी शक्ति से। ये शरीर कभी खत्म नहीं होगा। और इसी में आएंगे नरक के वो शैतान देव। वो मेरे इस शरीर के अंदर आएंगे और हम पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे। ये कहते कहते वो हंसने लगा था और अब सच में उसे रोका नहीं जा सकता था। उन सिलेंडर में वो कण थे जो उसके शरीर में समाए थे, और कोई और शरीर उन कणों को समा नहीं सकता था। मैं नहीं जानता मैं क्या करूं, लेकिन मैंने वो कोशिश की थी। जब वो उस भेड़िया मानव के टुकड़े कर रहा था, मैं पीछे से खिसक कर उस सिलेंडर में छलांग लगा चुका था और उस पानी को पी चुका था। वो महान राक्षस का शरीर, मैं उस पानी को पी रहा था और उसने मुड़कर देखा और चीखे मारने लगा, नहीं, तुम इसे पचा नहीं पाओगे। तुम्हारा ये शरीर इतना शक्तिशाली नहीं है कि तुम महान राक्षस की शक्तियों को खुद में समा पाओ। लेकिन वो पानी मेरे शरीर में सोखा जा चुका था। जितना पानी उसने नहीं सोखा, उससे ज़्यादा मैं सोख चुका था। ये शरीर शापित शरीर है जो कभी मरता ही नहीं। इससे ज़्यादा शक्तिशाली शरीर यहाँ धरती पर किसका होगा। और उस सिलेंडर पर उस ड्रैकुला ने हमला किया था और सिलेंडर को फाड़ दिया था। उसके वो तेज धार नाखून वो मेरी गर्दन को धड़ से अलग करना चाहता था उससे पहले कि वो शक्ति शरीर में समाती। लेकिन वो शक्ति शरीर में समा चुकी थी। उसके नाखून मेरी गर्दन में गड़ तक ना पाए। मेरा मांस इतना ज़्यादा पक्का हो गया था, मेरे नाखून उसके पेट में घुस चुके थे। वो शरीर जो काटा नहीं जा सकता था, मैं उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। और मैंने उसके शरीर को बीच में से फाड़ दिया था, लेकिन वो शरीर दोबारा बना सकता था। वो बार बार अपने शरीर को ठीक कर लेता। मेरा शरीर भले ही उससे शक्तिशाली था, लेकिन मुझसे ज़्यादा कमज़ोर नहीं था। वो मेरा मुकाबला कर सकता था। धीरे धीरे वो और ज़्यादा शक्तिशाली होता चला जाता, वो ड्रैकुला। और इसके बाद मैं नहीं जानता वहाँ क्या करना होगा, लेकिन वो शैतान भी एक तरफ से आग से बाहर निकला था और हंस रहा था। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे इस गुलाम ने तो कमाल ही कर दिया, सारा काम इसी ने कर दिया। अब इसके शरीर को मैं अपने कब्जे में लूँगा और ब्रह्मांड का खात्मा। तब मैंने बड़ी तेज़ी से छलांग लगाई थी और उसके दो फाड़ कर दिए। मैंने उसके शरीर के दो हिस्से अपने हाथ में पकड़े थे। और उन दोनों ने यह नहीं सोचा था, मैं कोई साधारण पिशाच नहीं हूँ, साधारण राक्षस नहीं हूँ। मैं शाप के कारण नरक की उस शक्ति को संजोए हुए हूँ जो नरक का रास्ता खोल सकता है। मैंने उस ड्रैकुला के सर को पकड़ा था और मेरे उसके सर को पकड़ने के बाद मैंने सर का कचूमर बना दिया और धरती फाड़ नरक की उस आग में जैसे ही उसे डाला, वो शरीर धरती लोक में पिघलने वाला नहीं था, धरती लोक में मरने वाला नहीं था, लेकिन उस नरक की आग में वो पिघल रहा था। वो नरक लोक था। नरक में ऐसे राक्षसों का भी खात्मा होता है। भले ही ये शरीर खुद ब खुद मर ना पाए, लेकिन नरक सबका अंत करता है। वो उस लावे में पिघल रहा था और वो शैतान मेरे करीब आकर आंखें दिखा रहा था।
पूरे के पूरे ड्रैकुला को मैंने उस लावे में पिघला दिया और वो शैतान बड़े गुस्से में गया था ये कहते हुए, अभी इंतजार करो, मेरी और गुलाम है और मैं तुम्हें उसकी सजा जरूर दूंगा, लेकिन तुम अपने शरीर को संभाल कर रखना, ये शरीर मैं लूंगा, ये तुम्हारे शरीर पर ही मैं कब्जा कर लूंगा, ये तो ड्रैकुला से भी ज्यादा शक्तिशाली है। उसके ये शब्द मेरे कानों में पड़ गए थे और वो भेड़िया मानव मेरे सामने मर चुका था। वो पिशाच वहां से भाग निकले थे और जो बचे हुए भेड़िया मानव थे वो भी अब इस युद्ध से बाहर जा रहे थे। युद्ध का अंत हो गया था, लेकिन संध्या के कहने के बाद मैं रुक नहीं सकता था। मैं जानता था मेरा शरीर भी बहुत शक्तिशाली है, शायद इसे मैं सही से संभाल ना पाऊं। ये मेरा शरीर नहीं है, ये उस राक्षस की शक्ति को संजोए हुए है, इसलिए धीरे धीरे मेरी प्रवृत्ति भी राक्षसी होती जाएगी और मैं खुद इस ब्रह्मांड का अंत करता जाऊंगा, तब ये शैतान मेरे इस शरीर को कब्जा लेगा। एक ही रास्ता था। मैंने अपनी जेब से वो थैली निकाली मिट्टी की और उसी किले की मिट्टी में गाड़ दी। मैं यहीं से उठ खड़ा होता और अपने हाथों से मैंने अपने शरीर को दो फाड़ कर दिया था। कोई और शक्ति मुझे मार नहीं सकती थी, सिर्फ मैं था जो खुद को मार सकता था। मैंने अपने शरीर को फाड़ा और उसके बाद धरती के उस लावे में खुद को ही फेंक दिया। पिघला था मैं और शरीर को गलते हुए देखा था मैंने नर्क में। तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और ये मिट्टी थी। मैं उस मिट्टी को फाड़कर बाहर आ चुका था संध्या के सामने और इस युद्ध का अंत हो चला था और मैंने अपने शरीर का भी दान कर दिया। अब वो भी नरक में होगा और वो शैतान अब इस धरती में वैसा शरीर पा नहीं सकेगा। कोई भी ऐसा और शरीर नहीं है जो उस शक्ति को संजो सके। मैंने रोक दिया था ड्रैकुला को, लेकिन उस शैतान की बातें मुझे अब भी याद थी। उसके वो गुलाम जो अब भी धरती पर हैं कुछ करना चाहते हैं। मैं उस पूरे किले को बर्बाद करना चाहता था और जमीन दोज मैंने पूरे किले को कर दिया। नर्क की उस आग में पिघला दिया था मैंने उस किले को और वहां पर एक पहाड़ी का निर्माण हुआ। वो पत्थर पिघल गया था इसलिए वहां पहाड़ी बनी और भविष्य में वहां पर एक पहाड़ कहलाया जाएगा। ये ड्रैकुला का पहाड़ होगा। मैं और संध्या वहां से बाहर निकल आए थे और जो भी पिशाच थे वो संध्या के सामने सर झुका रहे थे। यहां सबसे शक्तिशाली पिशाच अब संध्या ही बची थी और मैं वो डेड मैन था जो मरकर उठ आया था। उस प्रयोगशाला में कई ऐसी चीजें थी जिससे शरीर में बदलाव किए जा सकते थे। संध्या ने अपने शरीर में एक ही बदलाव किया। वो पिशाच योनि से बाहर नहीं आना चाहती थी, बल्कि बस धूप में खड़े रहना चाहती थी। उसने अपने शरीर में बदलाव किए। अब वो एक पिशाच थी जो धूप में घूम सकती थी और वो इससे बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं भी वापस घर आ गया उसी कब्रिस्तान में। अब यही मेरा घर है और मैं कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की वो अगले गुलाम को जो हमारे इस ब्रह्मांड को, हमारी इस धरती को खत्म करने की कोशिश करेगा और मदद करेगा शैतान की। मैं इस पहले गुलाम का अंत कर पाया था और ये महायुद्ध रोक पाया था। दोस्तों, आपको ये सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। डेडमैन की ये कोशिशें कामयाब रहीं और बच गया हमारा ब्रह्मांड। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ के अगले एपिसोड भी बनाऊं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। भविष्य में मैं राइटिंग करने की कोशिश करूंगा इसके अगले सीज़न की, तो इंतज़ार करिएगा सीज़न 3 का, लेकिन उसके लिए अभी काफ़ी समय है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।